भाई कान से पकड़ो। ए भगवान, मैं तो काम करते करते मरी ही जाऊंगी घर में। मम्मी मैं क्या करूं, इस घर में मेरे साथ ही करवा दीजिए। सर बोल रहे हैं उसको मैं ले आऊंगा, उसको मैं ले आऊंगा, सर ने बोला है। लेट हो गया आप तो भाई। भगवान, मेरी किसी घर में शादी करा दी, मेरी माँ दिया रे दिया। पकड़ के, अरे क्या कह रही है, उल्लू कह रही है मेरे को, उल्लू की ग्राउंड है मैं, इसको सुनाई दे दिया। उल्लू को उल्लू नहीं बोलूंगी तो क्या बोलूंगी, बोलो। जा जाके अपनी शकल आईने में देख ले एक बार। ओहो, मैं तो अपनी शकल आईने में देख के आ गई थी। एक बार देख ले जाके। हाँ, मैं तो देख ली मेरे शकल में क्या है, झाड़ू पोछा लगा लगा सारे मेकअप हर दिन धो ली जा रही है, मैं क्या करूँ। अरे हाँ, तू सच कह रही है, मैं उल्लू। उल्लू ने कार क्या हो? शादी कर ली। हाँ, दिन पूछा मारते मारते मेरे तो सामान पूरा खराब हो गई है। तू सच कह रही है, मैं उल्लू हूँ। और नहीं तो क्या? तेरी ऐसी लड़की से मैंने शादी कर ली। क्या बोली अभी? लड़की से शादी कर ली, मैं तो मर गई। अभी क्या बोली तू? मैं जहर खा के मर जाऊंगी। हाँ, मैं जहर खा के मर जाऊंगी मम्मी। तेरा ये रोज का ड्रामा है। सचमुच में एक दिन मर के दिखा दूंगी। रोज कहती मर जाऊंगी, अभी रुक, मैं मरती के दिखाता हूँ तेरे को। हाँ, बुला
क्या क्या हुआ इसको? एक्सीडेंट हो गया? कैसे? अरे एक्सीडेंट हो गया, हेलमेट नहीं लगा रखा था क्या? नहीं लगा रखा था। सिस्टर इसका पल्स भी देखो, मेरा फोन आ रहा है। हेलो हाँ मैम, मैम तबीयत बिगड़ती जा रही है। हाँ हाँ डॉक्टर साहब आ रहे हैं, थोड़ी बिजी हैं। ओके मैं जाती हूँ, बुला के लाती हूँ। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब। हाँ देखो देखो मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, अभी फोन आ रहा है। ओके सर। देखो देखो ओह पेशेंट की हालत तो बिगड़ती जा रही है। कैसे ये हो? हेलो सिस्टर, ये तो मर चुका है। इनको समझाओ, बताओ इनको। सर हमने तो कोशिश की आपके पेशेंट को बचाने के, लेकिन हम बचा ना पाए, सॉरी। डिले कर दिया आपने थोड़ा। डिले कर दिया, आप लापरवाही कर रहे हो इतनी देर से। नहीं नहीं नहीं, वो हेलमेट नहीं लगा रखा था सेफ्टी की वजह से। ज्यादा तेज चलाते हो भाई, घर से आते नहीं। इसको प्लीज शीशे ले जाओ। लगता है पृथ्वी पर बोझ बढ़ गया है, इसलिए समय से पहले ही चल दिया कोई आ रहा है मेरी नगरी में। गया। चल भाई बहुत झीलिया तू पृथ्वी लोक पर, चला मेरे साथ, तुझे हम लोग का शहर कराता हूँ। चल आजा, चल आजा, चल। महाराज जी अब ये तू देख, मुझे एक बार भेज दो मिलने के लिए, बस क्या करेगा मिलके, अभी तो आया है, दोबारा भेज दो, अभी आया है, बोले फिर भेज दो, एक बार भेज दो प्लीज। नहीं नहीं तुम्हारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, ये प्रकृति का नियम है, एक बार हमारे पास आने के बाद कोई दोबारा प्रतिवर्ष से नहीं जाता। एक बार भेज दो। नहीं नहीं मैं नहीं भेजूंगा ऐसे, क्या करेगा जाके, अब तक क्या किया तूने? एक बार भेज दो, दोबारा गलती ऐसी नहीं करूंगा मैं।
और तू देख लेना तेरा परिवार सारा बैठा हुआ है। लेकिन उसके बाद में फिर मेरे को नहीं कहेगा, दोबारा तेरे परिवार से नहीं मिलाऊंगा मैं। ठीक है, अब तेरे कोई जिद नहीं चलेगी तुम्हारी। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, तुम ज्यादा अनुरोध कर रहे हो तो मैं एक बार तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिला देता हूँ, और देख लेना कि तुमने क्या किया, जिसका क्या परिणाम निकल रहा है। ठीक है, चलो आ जाओ। ये देख, ये तेरे परिवार की, तेरे साथियों की दशा देख, और देख तेरी करनी का क्या फल भोग रहे हैं, क्या है देख ले। क्यों रो रहे हैं ये? ये मिल ले और देख तेरे परिवार को। क्यों रो रहे हैं ये? रो रहे हैं ये तो, ये रो रहे हैं ये तो मुझे भी पता है और तुझे भी पता है ये रो रहे हैं, लेकिन ये सब तेरी करनी का फल है। क्या गलती होगी मेरे से ये रो रहे हैं? सिर्फ तेरी एक छोटी सी गलती, तेरी एक छोटी सी गलती का इन सब लोगों को परिणाम भुगतना पड़ रहा है, ये सजा भुगत रहे तेरी गलती। क्या गलती होगी मेरे से महाराज जी? तेरे से गलती हो गई कि सुबह सुबह अरे लोग भगवान का नाम लेते हैं और तुम आपस में कलह कलेश करते हो और करते हुए झगड़ा करके, और जब तू सुबह अपने काम पर जा रहा था तो रास्ते में तूने हेलमेट नहीं लगाया और गाड़ी चला रहा था, वो भी तेज स्पीड में, तेज स्पीड में गाड़ी चलाने के कारण तेरा एक्सीडेंट हो गया। अगर काश, काश ये गाड़ी चलाते समय और तूने ये हेलमेट लगाया होता, अगर ये हेलमेट तेरे सर पर होता तो शायद ये दशा नहीं होती, और तूने इस हेलमेट को छोड़ दिया और जिसकी वजह से तेरा एक्सीडेंट हो गया और तेरी मृत्यु हो गई, और ये लोग तेरी गलती की सजा भुगत रहे, ये आज तेरे लिए रो रहे हैं, देख एक तेरी छोटी सी गलती की। आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा महाराज जी, दोबारा भेज दो मुझे एक बार करके। ऐसा नहीं होता है, जो एक बार होना था वो तो हो गया, अब वो कैसे चल सकता है, होनी थी जो तो हो चुकी, ये दोबारा बार बार नहीं हो सकता। अब चल तू मेरे साथ चल, और आराम से मेरे यमलोक में ही रहना, क्योंकि पृथ्वी पर वैसे भी तेरा वजन बढ़ गया है, चल आ जा। नमस्कार साथियों, आप सभी को जो हमारे साथियों ने मेकोनी परिवार की तरफ से और सेफ्टी के बारे में जो संदेश दिया है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी और इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कि सेफ्टी को लेकर कोई भी नज़रअंदाज ना करे और ऐसी घटना किसी के साथ ना हो, क्योंकि ये घटना जो आज इनके साथ हुई है, ऐसी घटना कल को वो हमारे साथ भी हो सकती है और हमारी भी फैमिली है, इसीलिए मेरा सभी से विनती है कि आप इस नाटक को देखकर कुछ समझ में आया हो तो जरूर शेयर करें, और सेफ्टी को ध्यान में लेते हुए गाड़ी चलाते समय स्पीड का और हेलमेट का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि जिंदगी अनमोल है, जी लाइफ सिर्फ एक बार मिलती है, जिसे जियो जी भर के। इसी में मैं आपको दो पंक्ति सुनाना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी ये ना सोचे कि किसी काम को, हाँ चलो ठीक है सोच लिया, कल सोचेंगे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी काम को बाद के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बाद में जो फंस गया, अरे बाद में जो फंस गया वो हर तरह बर्बाद है, बाद में जो फंस गया वो हर तरह बर्बाद है, और बाद से जो बच गया वो सुखी और आबाद है, और बाद के भी बाद में, अरे बाद के भी बाद में जिसने किनारा कर लिया और बादशाह ही पा गया जिसने तजा अपवाद है। थैंक यू, थैंक यू।